स्वागत है आप सभी का डीएनएन पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। आप देख रहे हैं 4 बजे 4 बड़ी खबर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस पर हमला हुआ है। बंगाल के भवानीपुरा में बीजेपी के काफिले पर हमला हुआ। हमले में बाल बाल बची हैं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस। 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर, पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस पर हमला। बंगाल के भवानीपुरा में बीजेपी के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में बाल बाल बची हैं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस। 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हैं। काफिले में शामिल सभी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत मौके पर पहुंचे हैं। फोनलाइन पर हमारे साथ संवाददाता दीपेश जैन जुड़ चुके हैं। दीपेश, विस्तार से जानेंगे कहां पर हमला हुआ। बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे अंकुश, ये बीती रात का मामला है और हुआ दरअसल यूं ही है कि वहां पर सभा थी भवानीपुर में, और सभा के बाद जब बीजेपी प्रत्याशी जो है रुद्र नील घोष उनकी सभा में पहुंची थी मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, तो वहीं उसी दौरान टीएमसी के जो कार्यकर्ता बताया जा रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की और वहां पर भगदड़ मच गई। इस पत्थरबाजी के बाद जबरदस्त हमला हुआ। जितनी भी गाड़ियां काफिले में शामिल थी उन सभी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई और 24 से ज्यादा कार्यकर्ता इस दौरान घायल हुए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि तस्वीरें हम दिखाएं अपने दर्शकों को अंकुश, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर देंगी कि आखिर ये किस तरह की पूरी घटना थी। तो जी दीपेश, सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल अंकुश, तो ये देखिए बताना चाहेंगे, ये इस तरीके से भीड़ लग गई थी वहां पर काफी, और उसके बाद जो बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस वहां पर बेबस और मूक दर्शक, ये देखिए एक तरफ एक पुलिसकर्मी जो है अंकुश, देखिए आप इतनी भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहा था, ये लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पर, और फिर राहगीरों ने वहां पर इन लोगों की जान बचाई। कल अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़ी घटना हो सकती थी। ये तस्वीरें हम चाहेंगे अंकुश जरा दर्शकों दिखाएं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से यहाँ पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बना। पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस भी वहां पर मौजूद थी और काफिले पर हमला किया गया। जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी उस पर पत्थरबाजियां की गई और जो पत्थरबाजी कर रहे थे जो लोग, उन्हें रोकने के लिए वहां पर एक ही पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ सकता है कि यहां पर कानून व्यवस्था किस तरह की है। बिल्कुल अंकुश, और बताना चाहेंगे ये भी कि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। जो नेता जा रहा है बंगाल उसको इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। साफ तौर पर खुली छूट वहां पर मिली हुई है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। जो गुंडागर्दी शाहनवाज हुसैन की सभा थी कुछ दिन पहले, उनकी सभा में उनके ऊपर पत्थर फेंका गया था, हालांकि उन तक पहुंचा नहीं पत्थर, और यहाँ तो आप देख रहे हैं पत्थरों की बरसात हुई है, यानी जिसको कहते हैं पत्थरबाजी, एक्चुअल वो तस्वीरें यहाँ पर साफ नजर आ रही है। जैसे फिर इसके बाद खबर मिली केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, वो मौके पे पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी रुद्रनील घोष और जो मंत्री हैं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, इनको फिर सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया और थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन ये लगातार हमले हो रहे हैं और इससे समझा जा सकता है अंकुश की कितने खराब हालात हैं बंगाल में इस वक्त। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री का काफिला पहुंचता है, उस पर पत्थरबाजी होती है। एक पुलिसकर्मी यहाँ पर सिर्फ दिखाई दे रहा है, 2 से 3 पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जो कि पत्थरबाजियां जो हो रही हैं साफ तौर पर है कि जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का माहौल उस वक्त वहां पर दिखाई दिया होगा। तो 4 बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर होगी जहां प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने पर रासुका लगाई जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, सीएम शिवराज शाम को कैबिनेट की बैठक लेंगे वर्चुअली तौर पर और कोरोना की समीक्षा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, छतरपुर में दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया है। जो बिना मास्क के घूम रहे हैं या फिर जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई हो रही है, लेकिन खुद निगम कर्मी बिना मास्क के यहां पर नजर आ रहे हैं। चौथी बड़ी खबर की बात होगी जहां जवान से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल, जो कि नक्सलियों के कब्जे से छूट चुका है। तो पहली बड़ी खबर की बात करते हैं, प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। और तलब है प्रदेश में रेमडेसिविर की किल्लत बढ़ गई है। हालांकि सीएम शिवराज कह चुके हैं सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदेगी और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इसे मुहैया करवाया जाएगा। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को इसका नोडल सेंटर बनाया गया है।
इंदौर में रेमडेसिविर की किल्लत के बीच मरीज के परिजनों ने इसकी कालाबाजारी के आरोप भी लगाए थे। इसको लेकर जमकर हंगामा भी किया था दवा बाजार में। तो चलिए इसी खबर पर हम चर्चा करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। टीएन मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। और भानु चौबे जी भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। चौबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चौबे जी शुरुआत में आपसे करूंगा, अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत जो है उसकी आपूर्ति होगी, लेकिन जिस तरह से कालाबाजारी की खबरें आई, इंदौर की बात कर लें, यहां पर मरीज के परिजन सुबह 4 बजे से लाइन लगाते हुए खड़े रहे, उन्हें बाद में इंजेक्शन नहीं मिला, उन्होंने कालाबाजारी के आरोप लगाए, लेकिन अब रासुका के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ठीक है इस तरह की ज्यादा खबरें नहीं आई, लेकिन महाराष्ट्र में 15,000 तक बिका है, दिल्ली में तो 2 लाख तक बिका है ये इंजेक्शन, क्या कहेंगे? देखिए मुझे कहते बड़ी शर्म आती है कि जो लोग इस इंजेक्शन के पैसे अनाप शनाप वसूल रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी को खुद को इस इंजेक्शन की जरूरत पड़े और उनको भी कोई इसी दाम में बेचे तो उन्हें कैसा लगेगा। एक बीमार आदमी को आप 2 लाख या 15,000 या 50,000 में इंजेक्शन बेच रहे हैं, शर्म आनी चाहिए साहब उनको भी, और ये सुन के मुझे भी शर्म आ रही है कि हम इसी समाज में रहते हैं जहां इसमें भी उन्होंने आमदनी और कमाई का रास्ता ढूंढा है। ये बेहद शर्मनाक। चौबे जी सुन पा रहे मुझे? चलिए फिलहाल संपर्क चौबे जी से यहाँ टूट चुका है। मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी इसी खबर पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसको लेकर के जिस तरह से इंदौर में बवाल मचा है, ये बवाल अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पैसे की दौड़ में अंधा व्यक्ति या अंधा व्यापारी इस हद तक मानवता को तार तार करने वाले कृत्य करेंगे कि ये जो है इसकी इस तरह कालाबाजारी करेंगे। एक बड़ा ये प्रश्न है कि हमारा समाज आखिर जा कहां रहा है, हम आखिर चाहते क्या है। और दूसरी बात ये है कि इस समय जब मानवता की हर पल इंसान को परीक्षा देनी पड़ रही है इस तरह के साथ, तो ऐसे भीषण और विषम दौर में इस तरह की मानसिकता अपने आप में ये बता रही है कि आखिर हम ये कैसा समाज बना रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, सरकार को जब मालूम है कि रेमडेसिविर जो है ये इसकी रेमेडी है। दूसरी एक बात और बता दूं, जर्मनी से इसकी जो आपूर्ति है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है इंडिया को। तो ये जो है स्थिति ये है कि जिनके पास है उन्होंने अगर इसको दबाया है तो ये ड्रग डिपार्टमेंट का जो औषधि प्रशासन विभाग है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनके ड्रग इंस्पेक्टर्स, उनके अधिकारी, उनके कंट्रोलर और आला अफसर इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर दवा बाजार जो कि एशिया में नाम अपने आप में रखता है, एक एक स्थान रखता है इंदौर का दवा बाजार, तो ऐसे में क्या वहां पर पूरी तरह से संरक्षण है, एक दूसरे के साथ में पूरी मिलीभगत है, ये क्या मिलीजुली कुश्ती चल रही है, आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। और प्रशासन के नियंत्रण से अगर कोई चीज बाहर जा रही है तो प्रशासन की निरंकुशता पर सीधे सीधे इशारा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिना सरकार की मंशा के या बिना सरकार की मिलीभगत के, सरकार से मेरा आशय उनके नुमाइंदों से है, तो नुमाइंदों को क्या कसावट नहीं करी गई है उनके बीच में, क्या क्या मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको लेकर के मॉनिटरिंग में नहीं है क्या? अगर हैं तो फिर इतनी बड़ी बात कैसे आ रही है, ये एक अपने आप में प्रश्न है। क्योंकि ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन जिनको चलने लगती है कोविड में, उन मरीजों के लिए ये इकलौता एक तरह से उनका जीवन रक्षक उपाय है रेमडेसिविर। तो ये अगर ऐसी स्थिति है, जबकि त्राहिमाम की हालत हम लोग सब देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख तौर पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और अब ग्वालियर भी उसी दिशा में धीरे धीरे मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर में भी यहाँ पर फार्मा के 3 से 4 ऐसे केमिस्ट हैं जिनके पास में इसका काम है। तो ऐसे में स्थिति ये है कि यहाँ पर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लोगों को। और उसमें जब मेरी बात हुई है इनके फार्मा एसोसिएशन के लोगों से, तो उनका ये कहना है कि वहां से आपूर्ति सुलभ नहीं होने की वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये सरकार का विषय है, अगर वास्तव में आपूर्ति सुलभ नहीं है तो सरकार का विषय है। और यदि
स्टॉक में होने के बावजूद उसको आउट ऑफ स्टॉक बताया जा रहा है, तो ये भी प्रशासन का विषय है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है यहाँ पर अंकुश जी कि सीधे तौर पर अगर रेमडेसिविर है तो उसके स्टॉक का वेरिफिकेशन किस तरह किया जा रहा है, कितने हॉस्पिटल्स को, कितने मरीजों को, किस दरों में उसको बेचा गया है, उसकी दरों में कोई व्यवस्था है कि नहीं। क्योंकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो जो स्टंट डालते हैं हृदय रोगियों के लिए, तो वो उसके उसके रेट्स पर जब इस तरह की स्थिति बनी थी तो सरकार ने उसकी एक नीति निर्धारित की थी और उसके बाद वो बहुत सुलभता से लोगों तक पहुंचा था। तो क्या रेमडेसिविर को लेकर के ऐसी कोई नीति जिसमें कि कीमत की निरंकुशता पर लगाम लगाया जा सके, क्या वो बनी है? क्या अगर वो बनी है तो प्रभावी तौर पर वो दिख क्यों नहीं रही? और अभी तक अगर स्टॉक के वेरिफिकेशन की हम बात करें तो जितने भी व्यापारी इसका कारोबार कर रहे हैं, जिनने इसको लेकर के अपनी वो जाहिर की है और सीधे तौर पर जिनके पास इसकी आपूर्ति हुई है, उन व्यापारियों से नियमित तौर पे स्टॉक का वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अस्पतालों में भी जो 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 मेडिकल स्टोर अमूमन तौर पर आपने देखा है कि निजी अस्पतालों में उनके अपने मेडिकल स्टोर संचालित होते हैं, तो वहां पर भी इस बात की निगरानी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में पात्र मरीजों को वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। और दूसरी बात ये है कि जो पैसे वाले हैं वो तो धर्म का दूना भी खरीद लेंगे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास में इलाज का कोई साधन ना हो, वो आखिर करेगा क्या? क्योंकि तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत भयावह हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो निम्न मध्यम वर्ग के अगर कोई परिवार के साथ ऐसा हो रहा है तो पिता जो है वो अस्पताल में बड़ी मुश्किल से उसको अंदर किया गया है, और माँ और बेटा जो है वो सीढ़ी के नीचे, जैसे कि नागपुर से सूरत की एक तस्वीर आई थी कि नागपुर से वो परिवार सूरत पहुंचा था और सूरत के यूनिक हॉस्पिटल में एक जो पति है उनके जो घर के मुखिया है उनको ऊपर रखा गया अस्पताल में आईसीयू में, और बाकी पैसा नहीं होने की वजह से माँ और बेटे सीढ़ी के नीचे कॉरिडोर में इलाज कराने पर बाधित थे कोविड का। तो इस तरह की जब तस्वीरें देखते हैं तो दिल हिल जाता है, ऐसा लगता है कि वास्तव में मानवता कहाँ जा रही है। इंसानियत को लेकर के ये बीमारी ऐसी है कि हमें इंसानियत का पाठ दोबारा से पढ़ाने की इस महामारी में पूरी तरह से क्षमता है, और हमें इस समय यही सीखना होगा सभी लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे डॉक्टर हो, कि आज अगर मानवता है आपके भीतर तो इस तरह की हरकत कम से कम ना की जाए। क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि अगर रेमडेसिविर का आपके पास इंजेक्शन है और कोई व्यक्ति आपको अगर अपनी कालाबाजारी का रेट नहीं दे पा रहा और आप उसको अगर आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं तो आपसे बड़ा गुनहगार मुझे नहीं लगता कोई और होगा। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात आ रही है, एनएसए अकेले लगा देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एनएसए तो तब आप लागू करेंगे जब उसका दोष सिद्ध हो जाएगा। सवाल यह है कि दोष सिद्ध होने तक की स्थिति के लिए आपने अपनी मॉनिटरिंग किस लेवल पर की है, उसका स्तर क्या है, उसकी सूक्ष्मता क्या है और उसकी गहराई क्या है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि आज अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन का कारोबार करने वाले रखते हुए भी उसको नहीं होना बता रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको खोजना, इसको पकड़ना, इसकी दबिश देना, इसका खुलासा करना सीधे तौर पर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। आम नागरिक के बूते से ये बाहर है, क्योंकि वो तो बेचारा पीड़ित होकर के उसकी देहरी पर पहुंचता है। बिल्कुल चौबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। चौबे जी, संपर्क टूट गया था, वही प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आपसे। चलिए दोबारा से उनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, हमसे बातचीत करने के लिए और इस खबर पर अपनी राय जाहिर करने के लिए। तो पहली बड़ी खबर की हमने बात की, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों के साथ कोरोना के हालातों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर अमल करने की रणनीति भी बनेगी। इसके साथ ही 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाने की तैयारी पर भी बात होगी। और तीसरी बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, क्या नियम कायदे सिर्फ आम लोगों के लिए हैं, क्या कोरोना खास लोगों को नहीं होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि छतरपुर में संक्रमण में आई तेजी के बाद नगर पालिका सहित प्रशासनिक अमला दुकानदारों पर गाइडलाइन के उल्लंघन के चलते कार्रवाई कर रहा है।
लेकिन निगम के कर्मचारी ही बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर दुकानदारों में खासी नाराजगी है, जिस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये पूर्व से ही निरंतर कार्रवाई की जा रही है। आज भी हम लोग यहाँ पे चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। शहर के अन्य चार जगह भी ये चलानी कार्रवाई की जा रही है। कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि प्रत्येक शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। माने अपने शहरी क्षेत्र में कल शाम को 6 बजे से, शुक्रवार है कल शाम को 6 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी तारतम्य में कोविड की अब और अधिक प्रभाव न बढ़े और ज़्यादा फैलाव न हो, इसको देखते हुए कठोरता से चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी खबर पर चर्चा करते हैं। चौबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और फोन लाइन पर डॉक्टर केशव पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका स्वागत है। चौबे जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, छतरपुर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकानदारों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, भारी चालान बनाए जा रहे हैं, लेकिन दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो चालान बनाने पहुंच रहे हैं वो खुद ही मास्क नहीं पहने हुए, तो क्या संदेश जाएगा सर? क्या कोरोना आम लोगों को होगा, खास को नहीं? अब आजमेर जी, इस विषय पे इसके पहले भी हमारी बात हुई है। ये विषय मीडिया में प्रमुख रूप से गया है। इंदौर में ये बड़ी भारी समस्या के तौर पर सामने आया है। देखिए, शासन और प्रशासन जैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्या लोग उसका नाम लेके और आपसे बहस नहीं करेंगे? जब उनको दिखाई देता है कि जो VIP होने का मतलब है नियम तोड़ने की ताकत होनी चाहिए आप पे, तो जो VIP कल्चर पैदा हो गया हमारे यहाँ, तो निगम कर्मी को जैसे दंड के अधिकार दे दिए मस्टर कर्मी को, अब वो आपको स्कूटर पे रोक के 500 रुपए चालान कर सकता है आपका, वो और वो बिना मास्क लगाए खड़ा है, मतलब वो आपसे बेहतर है, आपसे ज्यादा ताकतवर है, उसको ये जो फीलिंग पैदा कर दिया है, ये VIP कल्चर का कारण है। दूसरा ये है साहब कि हम लापरवाही के मामले में सारे इंसान एक तरीके हैं। आम आदमी और खास आदमी क्या है, खास लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी है इस बात की कि वो ध्यान रखें, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है समाज में कि खास लोग तो बड़े बेफिक्र घूम रहे हैं और बेचारे जो गरीब और छोटे लोग हैं वो हर चीज की फिक्र कर रहे हैं और पैसे भी भर रहे हैं गलती होने में। जी बिल्कुल। केशव पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो बड़ा सवाल यही उठता है कि कोरोना जो है सिर्फ आम लोगों को ही होगा, चालानी कार्रवाई आम लोगों पर ही होगी, खास लोगों से कोरोना काफी दूर, ऐसा क्यों? ग्वालियर में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रतिनिधि है उन्होंने इस बात को लेके मुख्यमंत्री को और जिला प्रशासन को पत्र लिखे है कि ये दुकानदारों के साथ जो चालानी कार्रवाई हो रही है, दुकानें बंद कराई जा रही है, ये एकदम इस तरह से नहीं कराना चाहिए। पहले उनको नोटिस देना चाहिए या उनको कोई कोई छोटा चालान करना चाहिए और उसके बाद अगर वो नहीं माने और फिर दोहराए गलती, तब फिर उनकी दुकान बंद करने की और ये बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। एकदम दुकानें बंद करने से, बड़ी चालानी कार्रवाई करने से ये अस्त व्यस्त सब हो जाएगा जीवन और जो आम लोग हैं वो इससे परेशान होंगे, उनका कहना ये है। लेकिन जिला जो प्रशासन है, शासन है, उनका कहना है ये है कि भाई अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी और चालानी कार्रवाई नहीं होगी तो लोग जो है साधारण तौर पे अपने यहाँ के लोग लॉ अवॉइडिंग नहीं है, तो लोगों को किसी बात की परवाह नहीं है, बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, तो इसके बावजूद भी ये जो मास्क लगाना है और आपका ये सब जो कार्रवाई करनी है जिससे ये बचा जा सकता है, जो बचने की बात है वो नहीं कर रहे, तो फिर मजबूर हो गए शासन प्रशासन को, वो सब अप्रिय कार्रवाई करना पड़ रही है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसका कोई चारा नहीं है, अपने को अगर बचना है तो अगर सीधे सीधे लोग नहीं मानेंगे तो कर्फ्यू भी लगेगा और चालानी कार्रवाई भी होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि ये शिकायतें तो चलती रहेंगी, शिकायत लोग करते रहेंगे। और ये बात भी सही है जो अभी चौबे जी ने कही है, भानु जी ने, कि भाई जो लोग खुद चालानी कार्रवाई कर रहे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है। वो पहले स्वयं अपने आप को देखें फिर बाद में आम लोगों को चालानी कार्रवाई में शामिल करें, पहले वो खुद उदाहरण बनकर प्रस्तुत करें, क्योंकि वो खास लोग होते हैं समाज के।
महत्वपूर्ण लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, अगर वो भी वो इसको नहीं पालन करेंगे और दूसरों को पालन कराने के लिए दबाव डालेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से इसकी आलोचना तो होगी। और इस आलोचना से बचने के लिए पहले कानून का पालन स्वयं उनको इंश्योर करना चाहिए, बाद में उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। जी चौबे जी, एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जो जो चालान की रसीद है वो भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, 2000 का चालान है, 5000 का चालान है, इतना बड़ा बड़ा चालान किया जा रहा है। पांडे जी का कहना है कि अगर पहली बार कोई इस तरह का नियम उल्लंघन करता पाया गया तो इतना ज्यादा चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए, ये अलग बात है कि अगर वो दूसरी बार पाया जाता है तो जरूर आप उसका इतना भारी चालान कर सकते हैं। तो क्या माना जाए कि ऐसे में चालानी कार्रवाई अगर हो भी रही है तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए कि पहली बार अगर उसने कोई गाइडलाइन का उल्लंघन किया है तो इतनी भारी भरकम चालानी कार्रवाई ना हो? हेलो जी चौबे जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहली बार में 2000-5000 का इस हाल में जुर्माना करना किसी दुकानदार को, किसी रास्ते चलते आदमी को भारी पड़ सकता है, लेकिन हम अपने मकसद से भटक रहे हैं। चालान का मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं है, चालान का मकसद है लोगों को जागरूक करना, सतर्क बनाना, डराना कि भाई आप मास्क लगाइए। आप उसका मकसद भूल के और पैसे इकट्ठे करने में लग गए 5000 और 10000 में। वो तो सांकेतिक है 100 रुपए 200 रुपए ताकि उसको 2 घंटे अखड़ता रहे कि मैं लगा लेता 200 रुपए बच जाते मेरे। बिल्कुल 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 जी हाँ जी हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौबे जी हमसे बातचीत करने के लिए। पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं खबर पर बातचीत करने के लिए। तो तीन बड़ी खबर की बात की, चौथी और आखिरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बीजापुर में नक्सलियों के चंगुल से छूट कर आए सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। सीएम ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा में यह बात कही। सीएम ने कहा जवान के साथ ही उसकी रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मध्यस्थ और समाज सेवियों से भी मिलकर वो चर्चा करेंगे। बता दें जवान राकेश्वर सिंह शुक्रवार को बीजापुर से रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद 10 अप्रैल को उनकी मुलाकात सीएम भूपेश बघेल से होने वाली है। तो 4 बजे 4 बड़ी खबरों में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।